हेलो एवरीवन, मैं गुंजन ड्यूका की तरफ से आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ लाइव प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन पहले हम प्लांट्स के अंदर डिस्कस करेंगे, एनिमल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब देखो, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, सिंपल फूड का वो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, सिंपल फूड का बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होना। जो हमारा सिंपल फूड होता है, जैसे कि कौन हो गया, सिंपल फूड में जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और बाकी सब सिंपल फूड। ठीक है, तो सिंपल फूड जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इन सब का ईच सेल तक, हर एक सेल तक ट्रांसमिट होना, हर एक सेल तक पहुंचने क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमंस के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, एंड देन वी विल डिस्कस इन द प्लांट। ठीक है, तो प्लांट के अंदर जो ह्यूमंस के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सिंपल फूड का, वो कैसे होता है, बाय ब्लड होता है। ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है, बाय ब्लड। अब देखो, ब्लड के अंदर क्या होता है, वो होता है ब्लड ब्लड जो है वो एक रेड कलर का फ्लूड है, जिसके अंदर कितनी चीजें होती है, दो चीजें होती है। क्या क्या, वो प्लाज्मा और सेल्स है ना। ब्लड के अंदर कितनी चीजें होती है, दो चीजें होती है, प्लाज्मा और सेल्स। ठीक है, तो ब्लड के अंदर वो दो चीजें होती है, एक तो प्लाज्मा और दूसरी क्या होती है, सेल्स होती है। ठीक है, जो प्लाज्मा है ये फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का। ठीक है, और जो सेल्स होती है, वो तीन टाइप की सेल्स हमारे ब्लड के अंदर होती है, कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये तीन टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर, है ना। तो इन सभी का काम होता है, ब्लड के इन सभी कॉम्पोनेंट का काम होता है सिंपल फूड को ट्रांसपोर्ट करने का, हम ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा किसको ट्रांसपोर्ट करता है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, प्लाज्मा की वजह से जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है वो किसको ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजिनस वेस्ट को, जैसे यूरिया, इन सबको। ठीक है, और हमें पता है जो आरबीसी है, जो रेड ब्लड सेल है, वो किसको ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन को। किसको ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन को, क्योंकि आरबीसी के अंदर कौन होते हैं, हमें पता है आरबीसी के अंदर कौन होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो हम ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके वजह से हो रहा है, ब्लड के कॉम्पोनेंट के वजह से ही हो रहा है। प्लाज्मा किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को, और साथ में कुछ सॉल्ट्स को भी। जो सॉल्ट्स होते हैं वो भी किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, बाय प्लाज्मा। ठीक है, और जो सेल्स में हमारी कौन सी सेल्स आ गई, आरबीसी आ गई, रेड ब्लड सेल आ गई, ये किसको ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो ये सब हो गया, ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी के अंदर कैसे होता है, मेनली ब्लड की वजह से होता है। देखो, जो हमारी बॉडी के अंदर हर एक प्रोसेस के लिए हमें पता है एक सिस्टम है, ऐसी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमारी बॉडी के अंदर कौन सा सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, कौन सा सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किससे मिलकर बना होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ व्हाट। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले तो हमें पता ही है, सबसे पहले तो कौन आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा, जिसके वजह से हमारे सारे चीजें जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है ना। अभी ब्लड किसके अंदर होता है, ब्लड इज प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल। जो ब्लड होता है वो किसमें होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। ब्लड ऐसी प्रेजेंट नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स में होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब ये जो ब्लड वेसल्स होती है वो एक पंपिंग ऑर्गन से कनेक्ट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट। ठीक है, और साथ में बहुत ही स्मॉलर ट्यूब्यूल्स आ जाती है, कौन आ गए, हमारी कैपिलरीज। ठीक है, तो इन चार चीजों से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम मिलकर बना होता है, कौन है, ब्लड, ब्लड वेसल्स, सबसे फाइनेस्ट ट्यूब्यूल्स कौन हो गई, कैपिलरीज, और ये सब किससे कनेक्ट होते हैं, हमारे हार्ट से। ठीक है, तो इन सबसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, जो सिंपल फूड को हमारे हर एक सेल तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द ह्यूमन हार्ट, कि ह्यूमन हार्ट हमारी बॉडी का कैसा होता है। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा ह्यूमन हार्ट है एक मस्कुलर ऑर्गन है, वो कितना बड़ा होता है, हमारी फिस्ट के जितना होता है, हमारी मुट्ठी के जितना बड़ा होता है सिर्फ, ये है ना। तो जो ह्यूमन हार्ट है इज बिग एज अवर फिस्ट, हमारी मुट्ठी के जितना बड़ा है सिर्फ ये। ठीक है, और हमें पता है कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में होता है ये। ठीक है, दो हमारे लंग्स हो गए, और लंग्स के बीच में हमारा कौन होता है, हार्ट होता है। और ये थोड़ा सा कहाँ टिल्ट होता है, ये कहाँ टिल्टेड होता है, टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग।
टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग, थोड़ा सा कहाँ पे झुका होता है, लेफ्ट लंग के टुवर्ड होता है ना। तो लंग्स क्या है, फिस्ट के जितना बड़ा होता है और कहाँ होता है, दो लंग्स के बीच में होता है, उसका जो टिल्टनेस है, उसका जो झुकाव है वो किसके टुवर्ड होता है, लेफ्ट लंग के टुवर्ड होता है। ठीक है, अब देखो जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है ऊपर भी और नीचे भी। ह्यूमन हार्ट की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। अगर ये ह्यूमन हार्ट ना हो तो ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड की जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, है ना। तो ये जो हमारा ह्यूमन हार्ट हम कह सकते हो किसके तरह काम करता है, एक तरीके से ये मोटर की तरह काम करता है, पंपिंग ऑर्गन है ये, जिसके वजह से जो खून है, जो ब्लड है, वो अच्छे से ऊपर भी और नीचे भी जा पा रहा है। ठीक है, अब जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो उसके अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, फोर चैम्बर्स होते हैं, फोर पार्ट्स होते हैं। ह्यूमन हार्ट कंसिस्टिंग ऑफ फोर चैम्बर्स और यू कैन से फोर पार्ट्स। अगर हम इसका अभी बेसिक स्ट्रक्चर अगर देखें, अगर मैं इसको अभी फ्लो फॉर्म में देखूं तो हमारे ह्यूमन हार्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, चार पार्ट्स होते हैं, फोर पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रिया। ऊपर वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, आर्ट्रिया। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। तो दो ऊपर आर्ट्रिया होते हैं, नीचे दो क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। तो हमारा ह्यूमन हार्ट जो है वो फोर चैम्बर्ड है, ऊपर के दो पार्ट को हम क्या बोलेंगे, आर्ट्रिया, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल्स। ठीक है, आर्ट्रिया का एक और नाम क्या होता है, ऑरिकल्स भी होता है, ऑरिकल्स भी होता है। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या बोला जाएगा, इस वाले पार्ट को बोला जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। सिंगुलर वर्ड क्या है इसके लिए, आर्ट्रियम, आर्ट्रिया का वो सिंगल वर्ड क्या है, आर्ट्रियम। तो ये लेफ्ट आर्ट्रियम और ये लेफ्ट, और दिस इज राइट आर्ट्रियम। ऐसे नीचे कौन है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये कौन है, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये बेसिक ह्यूमन हार्ट के ये फोर पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रिया, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। ये वाला पार्ट कौन सा, लेफ्ट है, और ये वाला पार्ट कौन सा है, राइट है। ठीक है, अब जो हमारा लेफ्ट चैम्बर होता है, जो हमारा इधर वाला पार्ट होता है, जो लेफ्ट चैम्बर है, ये जो लेफ्ट चैम्बर है, इस लेफ्ट चैम्बर के अंदर कैसा ब्लड होता है, ये लेफ्ट चैम्बर कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। लेफ्ट चैम्बर कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि इधर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, हमें पता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। ठीक है, तो लेफ्ट पार्ट के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कम होती है। ठीक है, और ये जो राइट वाला चैम्बर होता है, जो राइट वाला पोर्शन है, ये राइट वाला जो पोर्शन है, इसमें क्या होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। इसके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारे ह्यूमन हार्ट का, है ना। तो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, चार चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वालों को क्या बोलोगे, आर्ट्रिया, नीचे वालों को क्या बोला जाएगा, वेंट्रिकल्स। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो राइट वाला पार्ट होता है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अब देखो जो हमारा लेफ्ट चैम्बर होता है वो सेपरेट होता है, जो हमारा लेफ्ट चैम्बर है, जो हमारा वो लेफ्ट चैम्बर है वो किससे सेपरेट होता है, बाय द बायकप्सिड वाल्व। ये लेफ्ट चैम्बर हमें दिख रहा है, तो जो लेफ्ट चैम्बर है इसके बीच में कौन आती है, बायकप्सिड वाल्व आती है, यानी कि दो फ्लैप आते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या आता है, बायकप्सिड वाल्व आती है। इसके बीच में क्या आती है, बायकप्सिड वाल्व। और बायकप्सिड वाल्व को क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व भी बोला जाता है, इट आल्सो कॉल्ड एज अ मिट्रल वाल्व। हमें दिख रहा है ये ऊपर वाला कौन है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, और नीचे वाला कौन है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। और लेफ्ट वालों किससे सेपरेट होते हैं, बाय द बायकप्सिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व से। ठीक है, ऐसे हमारा जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल होते हैं वो किससे सेपरेट होते हैं, बाय द ट्राइकप्सिड वाल्व से, बाय ट्राइकप्सिड वाल्व। ठीक है, तो यानी कि इसमें कितने फ्लैप आएंगे, इसमें थ्री फ्लैप्स आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, है ना। तो एक बार अगर हम एक बार और रिकॉल करें कि हमारे ह्यूमन हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो ह्यूमन हार्ट के अंदर हमने देखा भाई कितने चैम्बर थे, ह्यूमन हार्ट के अंदर वो फोर चैम्बर थे। अभी मैं इस हार्ट का वो बेसिक फ्लो फॉर्म में हम इसका भी डायग्राम देख रहे हैं,
ठीक है। तो हमारे जो हार्ट होता है उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? फोर पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। और ये कौन है हमारा? लेफ्ट, दिस इज अ राइट आर्ट्रियम। ये कौन होगा? राइट आर्ट्रियम। ऐसे नीचे वाला कौन है? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये कौन है? राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है। और जो लेफ्ट वाले पोर्शन थे वो किससे सेपरेट थे? बाय द बाय कस्पिड वाल्व। इसके पीछे बाय कस्पिड वाल्व आ गई, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं, माइट्रल वाल्व या फिर बाय कस्पिड वाल्व। ठीक है। और जो हमारा राइट आट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इसमें क्या आ रहा था? ट्राइकस्पिड वाल्व आ रहा था। इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व आता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है। अब ये जो फ्लैप्स है, ये जो गेट है, इनका काम क्या होता है? प्रोवाइड द वन फ्लो ऑफ डायरेक्शन, ताकि जो ब्लड का जो डायरेक्शन है, जो ब्लड का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में रहे, बैक फ्लो ना हो, ब्लड ऊपर की तरफ ना जाए। तो ये कौन रोकता है? वाल्व रोकती है ना। तो वाल्व की वजह से क्या होता है? ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन, ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन। ठीक है। तो वाल्व की वजह से ब्लड जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, और साथ में इसकी वजह से क्या नहीं होती है? बैक फ्लो नहीं होता, ब्लड जो होता है वो ऊपर की तरफ नहीं जाता, नो बैक फ्लो। ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा वाल्व का। लेफ्ट में कौन है? बाइकस्पिड वाल्व है, और राइट में कौन है? ट्राइकस्पिड वाल्व है। ठीक है। और यहाँ पे ट्राई क्यों होती है और वहां पे बाय क्यों है? क्योंकि राइट वाले पोर्शन में ज्यादा प्रेशर होता है, राइट वाले पोर्शन में ज्यादा प्रेशर होता है, इसलिए यहाँ पर जो फ्लैप है वो क्या है? ट्राई कस्पिड है, और यहाँ पर प्रेशर कम होता है, तो इसलिए यहाँ पे बाय कस्पिड वाल्व है। ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारे ह्यूमन हार्ट का। अब एक चीज और हमें याद रखनी है, जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है, जो आर्ट्रियम की जो वॉल होती है, वो आर्ट्रियम की वॉल पतली होती है, यानी कि ऊपर वाले चैम्बर्स की जो वॉल होती है वो क्या होती है? थिन होती है, हैविंग अ थिन वॉल। आर्ट्रियम की वॉल जो होती है पतली होती है, जबकि जो वेंट्रिकल नीचे आ रहा है वो वेंट्रिकल्स की वॉल क्या होती है? थिक होती है। वेंट्रिकल्स की वॉल क्या होती है? थिक होती है। ठीक है। तो हमें एक चीज ये याद रखनी है कि जो ऊपर वाले चैम्बर्स है, आर्ट्रियम जो है, इनकी जो वॉल है वो क्या होती है? थिन होती है, पतली होती है। और जो वेंट्रिकल्स है, इनकी वॉल क्या होती है? थिक होती है। दे हैव द थिक वॉल, दे हैव द थिक वॉल। ठीक है। और कोई भी चीज अगर थिक है, कोई भी चीज अगर हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर थिक है, तो समझ जाओ वहां पर क्या है? प्रेशर ज्यादा है ना। कि वेंट्रिकल्स की वॉल जो है वो थिक है कंपेयर टू द आर्ट्रियम वॉल। कारण क्या है? ड्यू टू मोर प्रेशर, ब्लड ऊपर से नीचे गिरता है, तो यहाँ पर वेंट्रिकल्स में क्या है? प्रेशर ज्यादा है, और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वेंट्रिकल्स की वॉल क्या होती है? थिक होती है ना। तो वॉल थिक क्यों होती है? ड्यू टू मोर प्रेशर, ड्यू टू मोर प्रेशर, मोर प्रेशर ऑफ ब्लड। ठीक है। तो ब्लड के ज्यादा प्रेशर होने की वजह से वेंट्रिकल्स की वॉल जो होती है थिक होती है, और आर्ट्रियम की वॉल क्या होती है? थिन होती है। ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारा ये ह्यूमन हार्ट का। ठीक है। अब देखो, और हमें पता है जो हमारा ब्लड होता है वो ब्लड किसके अंदर होता है? ब्लड प्रेजेंट साइड द ब्लड वेसल, है ना। जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल के अंदर होता है। तो सबसे पहली जो ब्लड वेसल आ गई हमारी वो कौन सी हो गई? आर्टरी। ठीक है। पहली जो ब्लड वेसल आ गई वो कौन सी हो गई? आर्टरी। अब आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी कि इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। ठीक है। तो आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है? जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। ठीक है। अब ये आर्टरी क्या करती है? ये ब्लड को लेके जाती है फ्रॉम द हार्ट, ये ब्लड को हार्ट से लेके जाती है। इट टेक्स द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है। तो हार्ट से ब्लड को कौन लेके जाएगी? आर्टरी। ठीक है। और कौन से ब्लड को कैरी करती है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी हम आगे स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे कि कैसे ब्लड फ्लो करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये ब्लड वेसल्स कौन से कहाँ पे कनेक्टेड है, तो वो क्लियर होगा। ठीक है। तो आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये क्या करती है? इट टेक्स द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये हार्ट से ब्लड को लेके जाती है। ठीक है। अब ये जो आर्टरी वॉल होती है वो क्या होती है? थिक होती है। आर्टरी की वॉल क्या होती है? थिक होती है ना। तो ये जो आर्टरी वॉल है ये क्या है? थिक है, ये मोटी है। ठीक है। और हमें पता है कोई भी यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कोई भी वॉल थिक है, तो कारण क्या है? उससे प्रेशर ज्यादा है
है ना, आर्टरी की वॉल थिक होती है क्योंकि यहाँ पे ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि ब्लड कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द हार्ट आता है, ठीक है। ड्यू टू मोर प्रेशर आर्टरी की वॉल क्या होती है, थिक होती है ना। अब इसके बाद कौन सी ब्लड वेसल आ गई, हमारी वेन्स। सेकेंड ब्लड वेसल कौन सी है, वेन। वेन के अंदर कौन सा ब्लड होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, जिसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। तो वेन्स के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इट टेक्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द हार्ट। जो वेन्स होती है वो ब्लड को बॉडी सेल्स से हार्ट तक पहुंचाती है ना। तो यानी कि वेन्स जो है वो हार्ट को ब्लड देती है फ्रॉम द सेल्स, जबकि जो आर्टरी है वो ब्लड लेके जाती है फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। अब वेन्स की जो वॉल होती है वो थिन होती है, वेन्स जो होती है उसकी वॉल थिन होती है ना, यानी वेन। तो वेन्स की वॉल जो, इसकी जो दीवार है वो पतली है, इसकी वॉल्स थिन की होती है, वही हमें पता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लेस प्रेशर होता है, वेन्स में प्रेशर कम होता है, इसलिए वेन्स की वॉल क्या होती है, थिन होती है। तो प्रेशर कम क्यों होता है, क्योंकि इसमें ब्लड कहाँ से आया है, सेल से आया है, और सेल से वो ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट तक जाएगा, ठीक है। तो आर्टरी जो होती है वो ब्लड को लेके जाती है फ्रॉम द हार्ट, और जो वेन्स होती है वो ब्लड देती है टू द हार्ट, ठीक है। और जो वेन होते हैं उसके अंदर क्या होता है, इसकी वेन की जो थिकनेस है वो तो कम होती है, वेन जो है उसकी जो वॉल है वो ज्यादा थिक नहीं होती है, पतली होती है। पर साथ में क्या होता है, वो इन्हीं वेन्स के अंदर कौन होते हैं, वाल्व होते हैं। इन्हीं वेन्स के अंदर क्या होते हैं, वाल्व होते हैं, ऐसे फ्लैप होते हैं। और वाल्व की वजह से क्या होता है, वाल्व की वजह से क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है वो वन डायरेक्शन में रहता है, जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है ना, कि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, ठीक है। ब्लड फ्लो इन द वन डायरेक्शन वो किसके वजह से हो पाता है, इन्हीं वाल्व की वजह से हो पाता है, फ्लैप्स की वजह से हो पाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं वाल्व, ये बैक फ्लो को रोकते हैं, ब्लड को पीछे जाने से रोकते हैं, इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो यहां तक हमने देखा कि हमारी जो ब्लड वेसल होती है वो दो टाइप की होती है, वो कौन कौन सी थी, आर्टरी और वेन्स। आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी की वॉल थिक होती है, वो मोटी है, कारण क्या है, उसे प्रेशर ज्यादा होता है। और वेन्स क्या होती है, उसकी वॉल थिन होती है क्योंकि उसमें प्रेशर कम होता है। वेन्स के अंदर वाल्व भी प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे और बैक फ्लो ना हो ब्लड का, है ना। और आर्टरी जो होती है वो हार्ट को ब्लड हार्ट से ब्लड लेके जाती है, आर्टरी क्या करती है, हार्ट से ब्लड लेके जाती है, और वेन्स जो होती है वो ब्लड देती है टू द हार्ट, ठीक है। अब देखो हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल है, जो सबसे पतली ब्लड वेसल है वो कौन है, कैपिलरी। जो सबसे पतली ब्लड वेसल है वो कौन है, कैपिलरी। कैपिलरी इसकी थिकनेस जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल के जितनी होती है, थिकनेस सिर्फ कितनी है, वन सेल, सिर्फ वन सेल थिक होती है हमारी, कौन, कैपिलरी। हमारी बॉडी की सबसे पतली ब्लड वेसल कौन है, कैपिलरी है, जिसकी थिकनेस सिर्फ वन सेल थिक है। इसका काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी का काम क्या होता है, आर्टरी को वेन से जोड़ने का, है ना। तो यहाँ से कौन आ गई, आर्टरी आ गई जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इधर से कौन आ गई, वेन्स आ गई जिसके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। और आर्टरी को वेन से कौन जोड़ेगा, कैपिलरीज जोड़ेगी, ठीक है। तो इनको जोड़ने वाली कौन आ गई बीच में, बहुत ही पतली पतली सी कैपिलरीज आ गई, ठीक है। तो आर्टरी को वेन से कौन जोड़ता है, कैपिलरी जोड़ता है, विच इज द थिनेस्ट ट्यूब ऑफ अवर बॉडी। सबसे पतली ट्यूब कौन है हमारी, कैपिलरीज ही है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड वेसल्स, जो कौन सी आपकी, आर्टरी और वेन्स, ठीक है। अब देखो अब आगे हम स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। और ये पेपर में आता भी है कि भाई रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ ब्लड इन अवर बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कैसे फ्लो करता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले शुरुआत किससे होती है, हमारी लंग्स से होती है, सबसे पहले शुरुआत लंग्स से होगी, ठीक है। फिर लंग्स के बाद कौन आ जाता है हमारा बीच में, ह्यूमन हार्ट आ जाता है, ठीक है। बीच में कौन आ जाएगा, हार्ट आ जाएगा, जो हमें पता है हार्ट के दो चार चैम्बर्स से ऊपर वाला कौन होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और इस वाले लेफ्ट पोर्शन के अंदर क्या था, लेफ्ट पोर्शन के अंदर कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेफ्ट पोर्शन के अंदर कौन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और राइट पोर्शन के अंदर कौन सा ब्लड है, राइट पोर्शन के अंदर कौन सा है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड
ठीक है, और हमें पता है जो लेफ्ट वाला लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट हो रहा था बाय द बाय कस्पिड वाल्व से, है ना, बीच में कौन आ रहे थे, इसमें दो फ्लैप आ रहे हैं, जबकि इसमें कितने फ्लैप आ रहे हैं, थ्री फ्लैप्स आ रहे हैं, इसमें क्या है, ट्राई कस्पिड वाल्व है। ठीक है, और बेसिक चीज हमें एक और पता है कि वेंट्रिकल्स की बहुत थिक होती है, वेंट्रिकल ज्यादा थिक है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि ब्लड ऊपर से नीचे गिर रहा है, वेंट्रिकल्स की बहुत थिक होती है और आर्ट्रियम की वॉल क्या होती है, थिन होती है। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हार्ट का, ये है ना। अब इसके बाद नीचे कौन आ जाती है, हमारी बॉडी की सेल्स आ जाती है, नीचे कौन आ जाती है, हमारी बॉडी की सेल्स, बॉडी की सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो ब्लड का जो फ्लो होता है वो सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, लंग्स से शुरू होता है, ब्लड का फ्लो स्टार्ट फ्रॉम द लंग्स। सबसे पहले लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा, सबसे पहले ब्लड क्या लेगा, ऑक्सीजन को लेगा, फिर वो ऑक्सीजन कहाँ तक जाएगा, एल्विओल्स तक जाएगा, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंस्ट्रक्ट करा था, है ना, फिर एल्विओल्स से फिर वो ब्लड किस ऑक्सीजन किस में जाती है, ब्लड के अंदर जाती है, और ब्लड के अंदर कौन होता है, हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को पकड़ लेगा। ठीक है, और जिससे हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कौन रिसीव करता है, लेफ्ट आर्ट्रियम। लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कौन रिसीव करता है, लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, यहीं पर ही आपको स्टार डाल के याद रखना है, जो हमारा आर्ट्रियम है वो कैसा चैम्बर है, रिसीविंग चैम्बर है, आर्ट्रियम इज द रिसीविंग चैम्बर, ये ब्लड को लेता है। ठीक है, तो लेने वाला चैम्बर कौन सा है, कौन ब्लड को लेगा, आर्ट्रियम। ठीक है, और ब्लड जाता है कहाँ से, वेंट्रिकल से जाता है। ठीक है, तो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसको कौन लेगा, लेफ्ट आर्ट्रियम लेगा। ठीक है, तो जैसे लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर ये ब्लड आएगा, जैसे ही लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आएगा, फिर ये ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम से कहाँ फॉल करेगा, इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड कहाँ फॉल करेगा, इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसकी वजह से जो बाइकप्सिड वाल्व है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ड्यू टू विच ब्लड इज फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ऊपर से ब्लड नीचे गिरेगा। ठीक है, फिर जैसे ब्लड ऊपर से नीचे गिरेगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, जिसके वजह से भी वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाएगा, वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल से क्या होता है, ब्लड पंप आउट होता है, वेंट्रिकल से क्या होता है, ब्लड पंप आउट होता है, ब्लड जो होता है बाहर जाता है, आर्ट्रियम में ब्लड आता है, वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाता है। ठीक है, तो ये एरोज वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से कहां पर आया, आर्ट्रियम में आया, फिर आर्ट्रियम से ब्लड ऊपर से नीचे गिरेगा, बाइकप्सिड वाल्व ओपन हो जाएगी, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर आएगा और फिर बाहर आके वो किस में जाएगा, हमारी पूरी बॉडी के सेल्स में जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर आया और कहाँ चला गया, हमारी पूरी बॉडी सेल्स में चला गया। ठीक है, अब बॉडी की सेल क्या करती है, फिर ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है, यूटिलाइज द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वो इस्तेमाल करेगी, और याद करो ये प्रीवियस हमें पता है कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा और क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, तो जैसे बॉडी की सेल्स ने ऑक्सीजन को इस्तेमाल करा, बॉडी सेल्स ने क्या रिलीज कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया ब्लड के अंदर। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने की वजह से हमारा ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। ठीक है, तो जैसे ही बॉडी के सेल्स ने ऑक्सीजन को इस्तेमाल करा तो क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, ये सब रिलीज हुई, और कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने की वजह से हमारा ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो यहाँ हमारा ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक है, और हमें पता है रिसीविंग चैम्बर कौन से है, लेने वाला चैम्बर कौन है, आर्ट्रियम है, तो फिर ये जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कौन रिसीव करता है, राइट आर्ट्रियम रिसीव करता है। ठीक है, तो ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी सेल से कहाँ पर जाता है, राइट आर्ट्रियम में जाता है। ठीक है, फिर राइट आर्ट्रियम के अंदर ये ब्लड आ जाएगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, फिर प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो ओपन हो जाएगी और ब्लड फिर राइट आर्ट्रियम से कहाँ गिरेगा, राइट वेंट्रिकल में फॉल आउट होगा। ठीक है, फिर जैसे ही राइट आर्ट्रियम के अंदर ब्लड आएगा तो यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा और प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाएगा। हमें पता हमेशा वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाता है और आर्ट्रियम में ब्लड आता है, तो राइट आर्ट्रियम से जैसे ही ब्लड बाहर जाएगा वो कहाँ जाएगा, इनटू द लंग्स, राइट वेंट्रिकल से ब्लड फिर कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड है, राइट वाले से जो ब्लड है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो। ठीक है, जैसे ये डीऑक्सीजनेट ब्लड लंग्स तक पहुंचता है, फिर लंग्स से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो जाती है। ठीक है, जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक पहुंचेगा देन
कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज आउट फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, तो ये बेसिक फ्लो हो गया हमारे ब्लड का कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या नहीं बताई, ब्लड वेसल्स नहीं बताई कि कौन सी ब्लड वेसल कहाँ से कहाँ पर ट्रांसमिट कर रही है ब्लड को। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हमने प्रीवियस डिस्कस करा जो आर्टरी है वो कौन से ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो लेफ्ट पोर्शन में कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो बॉडी सेल्स तक जो ब्लड लेके गई है तो वो कौन सी ब्लड वेसल लेके गई है, आर्टरी। कौन सी ब्लड वेसल लेके गई है, आर्टरी। तो आर्टरी ने क्या करा, ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी सेल्स तक पहुंचा दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा दिया। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, वेन्स। तो बॉडी सेल से जो राइट आर्टरी हम तक लेके जा रही है वो कौन सी ब्लड वेसल है, वेन। ठीक है, और जो ब्लड वेसल लंग से जुड़ी होती है उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, पल्मोनरी। जो भी ब्लड वेसल लंग से जुड़ी होती है उसके आगे हम क्या लगा देंगे, पल्मोनरी। और इनका वर्क भी उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहाँ पे आर्टरी नहीं लेके जाएगी, कौन लेके जाएगी, वेन्स लेके जाएगी। तो लंग से जो ब्लड राइट आर्टरी हम तक गया है तो वो कौन सी ब्लड वेसल के थ्रू गए, पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन्स के वजह से गए हैं। ठीक है, तो जो भी ब्लड वेसल लंग से जुड़ी होती है उसके आगे हम क्या लगा देंगे, पल्मोनरी। तो पल्मोनरी वेन ने क्या करा, ब्लड को लंग से लेफ्ट आर्ट्रियम तक पहुंचाया, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर ब्लड ऊपर से नीचे गिरा। ठीक है, फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी सेल्स में जा रहा है तो किसके थ्रू जा रहा है, आर्टरी के थ्रू जा रहा है। ठीक है, और जो हमारी सबसे थिकेस्ट आर्टरी होती है, जो हमारी सबसे थिकेस्ट आर्टरी है वो कौन है, ओटा है। कौन है, ओटा, जो सीधा हमारे हार्ट से कनेक्ट होती है। ठीक है, फिर बॉडी सेल्स ने क्या करा, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट कर दिया, जिससे ब्लड क्या हो गया था, डीऑक्सीजनेटेड हो गया था। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू द राइट आर्टरियम कौन लेके गया है, वेन्स लेके गया। और सबसे थिकेस्ट वेन हमारी कौन होती है, वेना कावा। थिकेस्ट वेन कौन सी होती है, वेना कावा। ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक कौन सी ब्लड वेसल लेके गई है, हमें पता है जो भी ब्लड वेसल लंग्स से जुड़ी होती है उसके आगे हम क्या लगा देंगे, पल्मोनरी। क्या लगा देंगे, पल्मोनरी। अब डीऑक्सीजनेटेड आर्टरी वेन्स नहीं लेके जाएगी, कौन लेके जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये चार ब्लड वेसल्स है जो हमारी पूरी एंटायर बॉडी के अंदर क्या कर रही है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट एंड हार्ट टू द ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अभी मैंने प्रीवियस आपको बताया था आर्टरी को वेन्स को कौन आपस में जोड़ता है, बीच में सबसे पतली ट्यूब कौन सी आती है, कैपिलरीज। ठीक है, तो आर्टरी को और वेन्स को जो आपस में कनेक्ट कर रही है तो यहाँ पे हमारी कौन आ गई, कैपिलरी आ गई, दैट इट इज अ कैपिलरीज। तो दिस इज ऑल द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो एक बार अगर हम रिकॉल करें जल्दी से, तो सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ आया, लंग्स में आया, ब्लड कैसा हो गया, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी कर रहा है, पल्मोनरी वेन्स ने कैरी करा, और ब्लड को फिर किसने रिसीव कर लिया, सबसे पहले लेफ्ट आर्टरी हमने रिसीव कर लिया, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हुआ, बाय कप्सिड वाल ओपन हो गए, फिर ब्लड ऊपर से नीचे गिरा। ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को किसने कैरी करा, आर्टरी ने कैरी करा, जो थिकेस्ट आर्टरी होती है वो कौन होती है, हमारी ओटा। फिर आर्टरी से ब्लड कहाँ पे चला गया, फिर आर्टरी फर्दर छोटे छोटे पार्ट से डिवाइड हो जाएगी, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी, फिर कैपिलरी हर एक सेल को ऑक्सीजन को पहुंचा देगी, फिर ऑक्सीजन सेल्स के थ्रू इस्तेमाल होगी और क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से हमारा ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। तो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन रिसीव करेगा, राइट आर्टरियम रिसीव करेगा, किसने रिसीव करवाया, वेन्स ने रिसीव करवाया। फिर राइट आर्टरियम के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऊपर से नीचे फॉल आउट होगा, ट्राई कप्सिड वाल्व ओपन हो जाएगी, फिर यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, बैक टू द लंग्स जाएगा, जो कौन लेके गया है, पल्मोनरी आर्टरी लेके गई है। ठीक है, तो आपको ये कुछ चार पॉइंट की पॉइंट याद रखना है कि हमेशा जो आर्टरियम होते हैं ब्लड को रिसीव करते हैं और वेंट्रिकल से ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, आर्टरी, और डीऑक्सीजनेटेड कौन कैरी करता है, वेन्स, और इनको कौन कनेक्ट करता है, कैपिलरीज, और अगर ब्लड वैसे लंग्स से जुड़ जाएगी तो हम आगे क्या लगा देंगे, पल्मोनरी। तो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो ये आगे का टॉपिक भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या टॉपिक है आपका, डबल सर्कुलेशन, पेपर में जरूर आता है, डिफाइन डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट से ब्लड का दो बार पास होने क्या होता है, डबल सर्कुलेशन।
ठीक है, हार्ट से ब्लड का दो बार पास होने क्या होता है, डबल सर्कुलेशन इन ईच साइकिल। हर एक साइकिल के अंदर ब्लड का हार्ट से दो बार पास होने क्या है, डबल सर्कुलेशन। पहले कौन सा ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड, और फिर कौन सा जाता है, डीऑक्सीजनेटेड, है ना। ये हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा भी कि जो हार्ट है, हार्ट से ब्लड कितनी बार पास हुआ है, दो बार। पहले तो ऑक्सीजनेटेड आया और फिर डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है। तो हार्ट से ब्लड का दो बार पास होना क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, और डबल सर्कुलेशन के फायदे क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ डबल सर्कुलेशन। वो डबल सर्कुलेशन की वजह से क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन की वजह से, यानी कि हार्ट से ब्लड का दो बार पास होने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि इन दोनों के सेपरेट होने की वजह से क्या फायदा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट आउट हो जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग हो जाएंगे तो हर एक सेल को ऑक्सीजन क्या मिलेगी, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। और ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो हमें पता है तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। हमें पता है ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, एनर्जी बनती है। ठीक है, तो सेपरेट होने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा, और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, ज्यादा एटीपी रिलीज होते हैं। और फिर इसी एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर, अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, है ना। हमें पता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, बाहर से कितना भी ठंडा हो कितना भी गर्म हो, पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता ही है। और उसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, फ्रॉम द ऑक्सीजन आ रही है। ठीक है, तो ऐसा कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, एक हम मैमल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर, मैमल्स और बर्ड्स के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, ब्लड जो है दो बार पास होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, ज्यादा ऑक्सीजन सेल को मिल पाती है, और मोर ऑक्सीजन मतलब मोर एनर्जी, जिसके वजह से हम ऑर्गेनिजम्स का, बर्ड्स का, मैमल्स का टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, वो फ्लक्चुएट नहीं होता, वो ज्यादा कम नहीं होता है। ठीक है, पहले के जो दूसरे एनिमल्स हम ले ले, एम्फीबियंस और पाइसिस अगर ले ले, मछलियां, पाइसिस में कौन आ गए, हमारी फिशेज आ गई। ठीक है, और एम्फीबियंस हमारे कौन आ गए, फ्रॉग आ गए। इनके अंदर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन नहीं होता है। इन ऑर्गेनिजम्स के पास सिर्फ 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सिर्फ 3 पार्ट्स होते हैं हार्ट के, और साथ में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन नहीं होता है। हार्ट से ब्लड दो बार पास नहीं होता, सिर्फ एक बार ही पास होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सेपरेट ही नहीं हो पाया, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से अलग ही नहीं हो पाया। और सेपरेट ना होने की वजह से ऑक्सीजन कम पहुंचती है सेलों में, और सेल में ऑक्सीजन कम होगा तो क्या होगा, एनर्जी भी कम होगी, और एनर्जी कम होने की वजह से ये ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। बाहर का अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, बाहर अगर टेम्परेचर कम है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज एडवांटेज ऑफ डबल सर्कुलेशन जो हम बर्ड्स और मैमल्स के अंदर होती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका कि डिफाइन डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ठीक है, अब कुछ एक दो पॉइंट्स और हैं, इसके बाद आपका जो टॉपिक है ये ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक ये, सबसे पहले क्या, लास्ट टॉपिक में क्या आ गया, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड जो भी फोर्स लगाता है वॉल्स पर, जो भी फोर्स एग्जर्ट होता है बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, तो ब्लड वेसल पर ब्लड के थ्रू जो भी फोर्स लग रहा होता है, जो भी प्रेशर लग रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ठीक है, और ये ज्यादा किसमें लगता है, आर्टरीज में ये प्रेशर ज्यादा होता है और वेन्स में कम होता है, है ना। तो ज्यादा वाले प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हमारी आर्टरी जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, आर्टरी जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो जो प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। जब आर्टरी रिलैक्स हो जाती है, ठीक है, तब जो प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड की वजह से वॉल्स पर जो प्रेशर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। जो कहाँ पर ज्यादा होता है, आर्टरीज में ज्यादा होता है, वेन्स में कम होता है। आर्टरीज अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उस प्रेशर को क्या बोलोगे, सिस्टोलिक प्रेशर। आर्टरीज अगर रिलैक्स होगी तो प्रेशर को क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, और एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए 120 mm ऑफ मरकरी, और मिनिमम कितना होना चाहिए, 80 mm ऑफ मरकरी, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर 120 होना चाहिए, और जो डायस्टोलिक है जो मिनिमम प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। 80 से कम हो गया तो यानी कि लो ब्लड प्रेशर है, 120 से भी ज्यादा हो गया तो हाई ब्लड प्रेशर है।
है ना, तुम्हारी बॉडी का प्रेशर कितना जाना चाहिए, 120 से 80, मैक्सिमम 120 और मिनिमम 80, इससे ज्यादा कम या इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 1 मार्क का क्वेश्चन आ ही जाता है कि ब्लड प्रेशर को कैसे मापते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है बाय स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर के थ्रू हमें क्या पता लगेगा, अपनी बॉडी का ब्लड प्रेशर पता लगेगा कि ब्लड कितना प्रेशर लगा रही है वॉल्स पर, ठीक है। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक? तो यहाँ तक आपका ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। थैंक यू।